स्वस्थ भारत के आज के जीवन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम सब इन दिनों मौसम में काफी बदलाव देख रहे हैं, है ना। कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है, और कभी कभी तो ये बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में बहुत कई सारी जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं वो देखने में आती हैं। ये परेशानियां कौन कौन सी हो सकती हैं, कैसे हम इन परेशानियों से बच सकते हैं, कैसे इन मौसम का, इस तरह के बदलाव का हम आनंद उठाते हुए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और अगर कोई परेशानी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ये तमाम जो सवालात हैं वो हमारे आपके जहन में है। और इसीलिए हमने आज जीवंत फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो इससे पहले कि हम अपने विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात कराएं, आप जल्दी से हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा फोन नंबर है 0651-228-2607। फोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 0651-228-2607। तो आप इसी नंबर पर अभी हमें फोन कर सकते हैं और बदलते मौसम में होने वाली समस्याओं के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर एके खेतान, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट है सदर हॉस्पिटल रांची में। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। सर, मौसम में जो बदलाव हो रहा है वो हम सब, आप भी महसूस कर रहे हैं, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लगती है, और अभी तो बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में क्या क्या परेशानियां होने का खतरा ज्यादा होता है? आजकल जो बरसात हो रही है इसमें एलिमेंट्री प्रॉब्लम या एब्डोमिनल प्रॉब्लम अधिक होने के चांसेस है, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीज की संभावना अधिक बढ़ जाती है। वो टाइफाइड के रूप में हो, जॉन्डिस के रूप में हो, वॉमिटिंग के रूप में हो, या लूज मोशन के रूप में हो, या हल्की फुल्की बुखार, पेट दर्द वगैरह के रूप में आए। इसलिए अभी सर जो बरसात हुई है इसमें हम लोग को विशेष, जब तक बरसात है, परहेज रखना चाहिए, हाथ धो के खाना चाहिए और गर्म खाना खाना चाहिए, बाजार का खाना नहीं खाना चाहिए या बचना चाहिए, और थोड़ी भी अगर पेट संबंधी कोई समस्या आती है तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर उनकी सलाह को मानते हुए अपना इलाज करना चाहिए। मतलब बदलते मौसम में मतलब बहुत सारी परेशानियां, कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं, चाहे वो पेट से संबंधित हो या फिर खांसने छींकने जैसी समस्या हो या इन्फेक्शन की समस्या हो, बहुत सारी बातें हैं। तो हमने अपना नंबर, फोन नंबर दे दिया है दर्शकों को, उम्मीद है कि जल्द से जल्द फोन कॉल्स आने लगेंगे। हमें एक बार फिर से बता देते हैं, 0651-228-2607 इस नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं और बदलते मौसम में होने वाली परेशानियों के बारे में, उसके निदान के बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से इसका जो है वो असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम अगर पेट से शुरू करते हैं सर, कि अगर पेट से संबंधित परेशानियों की बात करें तो किस तरह की समस्याएं होती हैं और कैसे लक्षण दिखाई देते हैं? पेट संबंधी जो समस्या होती है मेनली वाटर बॉर्न डिजीज होती है, इन्फेक्टेड खाना या इन्फेक्टेड वाटर जो हम लोग पीते हैं, तो उसमें जैसे बैक्टीरिया होता है उससे रिलेटेड वो ऑर्गन इन्फेक्ट होता है। और अगर लूज मोशन संबंधी ईकोलाई का इन्फेक्शन होता है तो उसमें हम लोग को लूज मोशन डायरिया हो सकती है। अगर हेपेटाइटिस बी के एबीसी वायरस जो होते हैं उसका, अगर हम लोग अगल बगल कोई सीवेज है उसका कंटामिनेशन वहां के पानी से, चापाकल या पानी का है, वो पाइप फटी हुई है, उसमें पानी सीवेज कर जाता है और वो अपने चापाकल या बोरिंग से पानी हम लोग पीने में चला आता है, तो उसे मैनिफेस्टेशन होता है जॉन्डिस का, लिवर डिजीज का, जैसे हेपेटाइटिस बी बहुत ही कॉमन, ए बहुत ही कॉमन है। फिर तीसरी बीमारी होती है टाइफाइड, सेल्मोनेला टाइफाइड, जो उसका बैक्टीरिया होता है वो अगर वाटर बोरिज फिकल कंटामिनेशन से ही होता है वो भी, तो अगर हाथ शौच करने के बाद अच्छी तरह से ना धोएं या वो कंटामिनेटेड वाटर पी ले तो उससे भी उसको टाइफाइड के लक्षण आ जाते हैं, इसमें आंत में घाव हो जाते हैं और डॉक्टर उसको फिर देखकर उसका इलाज करता है। और यूजुअल जो वायरस है बच्चों में, रोटा वायरस इन्फेक्शन अधिक हो जाता है, उसके कारण उसको सेल्फ लिमिटिंग वे में लूज मोशन भी हो जाता है जो आम दवा से जल्दी ठीक नहीं होता, परहेज वगैरह जो है उसको करते हैं और उसका ध्यान रखते हैं तो वो बच्चा भी ठीक हो जाता है। लूज मोशन वगैरह, वॉमिटिंग, सबसे बड़ा ध्यान देना उसको डिहाइड्रेशन ना हो, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, जीवन रक्षक घोल जैसे हम लोग कहते हैं उसको सही आपके पास भी मिलता है और सभी पीएससी सीएसए में मुफ्त उपलब्ध है, उसका सेवन डॉक्टर से मिलकर जरूर करें और इस तरह से अपना डिहाइड्रेशन बचाएं तो वे ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक होने की संभावना प्रबल हो जाती है।
मतलब किस तरह का अगर मौसम है, बदलाव से हम गुजर रहे हैं, तो साफ सफाई का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपने खान पान का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो पेट से संबंधी जो परेशानियां हैं उससे काफी हद तक बचा जा सकता है। वैसे तो खुद भी आगे आना चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने में, और बाकी सरकार की ओर से भी तमाम सुविधाएं हैं, जैसा कि आपने बताया कि जैसे आप सदर से हैं तो सदर में भी सारी सुविधाएं हैं, और भी कई संस्थान हैं जहां निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर जाकर लोग दिखा सकते हैं। अगर पेट से संबंधित बातों से फिर हम अलग बात करें सर, तो इस मौसम में और क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? इस चेंज ऑफ एनवायरनमेंट में वायरस का प्रोलिफरेशन या प्रकोप बढ़ जाता है, तो आम आदमी को सर्दी जुकाम का भी लक्षण अधिक आते हैं सीजनल, जिसमें बच्चों में सर्दी जुकाम हो, बड़ों में सर्दी जुकाम हो, भीग जाए, ठंडे पास नहा ले, या ठंडी हवा का एक्सपोजर हो जाता है, तो उसको अगर सेंसिटिविटी रहती है तो एलर्जिक रूप में मैनिफेस्टेशन आते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि थोड़ा सा ठंडी हवा से बचनी चाहिए, और ये ट्रांजिएंट होता है सर्दी जुकाम के रूप में, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ तो सिंपल ट्रीटमेंट या परहेज से भी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो ससेप्टेबल है दमा के लिए या ब्रोंकाइटिस के लिए तो सिम्टम ट्रीटमेंट रहता है तो भी उसको एग्जरेट कर जाते हैं, और कई बार सीवियर सिम्टम भी उसको सांस की बीमारी के आ जाते हैं। इसलिए बचना चाहिए और थोड़ा डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि दवा का मात्रा ठीक करके उसको वो ठीक कर दे। और ठंड में जो सर्दी जुकाम होती है यूजुअली तो व्हाइट डिस्चार्ज होता है नाक से, लेकिन अगर उसका रंग पीला या हरा हो गया इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसमें एंटीबायोटिक की भी जरूरत पड़ती है, उसको लेना चाहिए। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अपर में ही रहा तो अच्छा है, कई बार वो नीचे आ जाता है तो खांसी दमा ब्रोंकाइटिस के रूप में भी लक्षण आते हैं जी। यानी कि अगर उम्र की बात अगर हम करते हैं कि छोटे बच्चे से लेके या फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो किन में ज्यादा इसका खतरा होता है कि मौसम बदलने के साथ ज्यादा असर उसका दिखाई देता है? आजकल बच्चों में तो बहुत जल्दी इसका असर आता है, और बड़ों में चूंकि थोड़ी इम्यूनिटी ठीक हो जाती है, लेकिन जो डायबिटीज है या जिसकी किसी कारण बस इम्यूनिटी कम है या कोविड से इन्फेक्टेड पास्ट हिस्ट्री है या उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो बहुत ही ससेप्टेबल रहते हैं। विशेषकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले जो पेशेंट रहते हैं उनको कुछ इम्यूनो सप्रेशन दवा दी जाती है, लीवर हो, किडनी हो, जिसका ट्रांसप्लांट होता है, तो वो बहुत ही मतलब क्या होते हैं कि मतलब जल्दी उन पे असर दिखाई दे रहा होता है और उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे ट्रांसप्लांट पेशेंट को पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, सर्दी जुकाम के पेशेंट हो उसके पास नहीं जाना चाहिए। सर्दी जुकाम हो गया तो उसको हल्के में ना ले, तुरंत उसको डॉक्टर से मिले, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत ही कॉम्प्रोमाइज रहती है, वो सर्दी जुकाम भी बहुत ही सेप्टिसीमिया में बदल सकता है और लीथल वे में आ सकता है, जो कि हम लोग सर्दी जुकाम को हल्के में लेते हैं जी जी। लेकिन विशेषकर जो एचआईवी इन्फेक्टेड जिसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट पेशेंट हो या एड्स के जो मरीज हैं, इसकी इम्यूनिटी बहुत ही कम्प्रोमाइज रहती है अगर अंडर ट्रीटमेंट या डॉक्टर के सुपरविजन में नहीं है, तो फ्लेयर कर जाता है। इसलिए पेशेंट को इस टाइप के कैटेगरी में बहुत ही अलर्ट इस सीजन में, या सर्दी जुकाम हो किसी कारण बस, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए, यथाशीघ्र डॉक्टर से मिलना चाहिए, घर में भी अपने एक सेग्रीगेट रूम में रहें, अब घर के मेंबर को जल्दी से ना मिलने दें, घर के मेंबर भी किसी सर्दी जुकाम है तो अपने रूम में ना आने दें, क्योंकि वायरल है, एयरबोर्न डिजीज होती है, इसका बहुत ही प्रायोरिटी बेसिस पे ध्यान फैमिली मेंबर या पेशेंट को जानकारी के रूप में रखना चाहिए, इससे प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी को नॉर्मल से थोड़ा अलग है और किसी तरह की समस्या है तो उनमें बहुत ज्यादा इसमें असर होने का खतरा जो है वो बना रहता है, और खास करके बच्चों में, वृद्धजनों में भी। इम्यूनिटी की बात सर आपने की है, तो इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ा सकते हैं लोग? इम्यूनिटी तो देखिए आजकल तो बहुत दवाएं हैं, लेकिन इम्यूनिटी तो शरीर का रिस्पेक्ट, मेंटल रिस्पेक्ट, नेचुरल जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने से एक्चुअल इम्यूनिटी बढ़ती है। और बॉडी में जो भी हम लोग वैक्सीन देते हैं किसी भी डिजीज के प्रति, वो बॉडी की इम्यूनिटी को ही उस डिजीज के अगेंस्ट में इन्हांस करता है। जी, जी, जी। तो बॉडी की इम्यूनिटी को हर हाल में एक्टिवली जो नेचुरल इम्यूनिटी उसको इन्हांस करना है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि सही खाना खाना चाहिए, 7 से 8 घंटा साउंड स्लीप होनी चाहिए, फुट ऑन वेट नहीं होना चाहिए, मोटा अनाज खाना चाहिए, और हरी घास पर चलता है तो बहुत ही अच्छी है, पब्लिक में या फैमिली मेंबर में अधिक बातचीत करनी चाहिए, ना कि व्हाट्सएप या इंटरनेट पर ही अपनी जो दुनिया बसा ली है लोग, उससे बहुत अवॉइड करना चाहिए, जरूरत भर ही उस पर टाइम देना चाहिए, इससे फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। और यथा संभव आदमी को जितना हो नियर टू नेचर रहना चाहिए, किसी भी फॉर्म में, योग है, मॉर्निंग वॉक है,
जो भी पहले की दिनचर्या लोग सब कहते थे उसको जरूर वापस करना चाहिए। और उपभोक्तावाद में तो हम लोग को जो बताया जा रहा है उस सब चीज़ को छिपाया गया है, तो वापस उस तक हम लोग को आना चाहिए और समझना चाहिए कि भैया पहला सुख निरोगी काया है और इसके जो भी उपाय हैं अपने वो उसको हर हाल में एडॉप्ट करना चाहिए, तभी शरीर ठीक है। पैसा अपनी जगह है लेकिन पैसे की भाग दौड़ में खूब पैसा कमाया और एक उम्र के बाद बीमार हो गया, सारा पैसा बीमारी में ही लगा दिया, तो वो भी अच्छा नहीं है। बैलेंस्ड होना चाहिए, फिजिकल मेंटल सोशल इकोनॉमिकल हेल्थ सब में सामंजस्य है, हर हाल में फिजिकली फिट रहना ही चाहिए। जी जी बिल्कुल, मतलब हर तरह से अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं कि इस मौसम में हम अगर बीमार हो जाते हैं इसका मतलब कि इम्यूनिटी हमारी थोड़ी कम है और इस बदलाव को हमारा शरीर जो है वो सहन करने में थोड़ा उसको मुश्किल हो रही है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अच्छा खान पान हमारा होना चाहिए और शारीरिक व्यायाम को हम अपने जीवन में जरूर रखें, तो हम बहुत हद तक इससे जो बदलाव है उसका हम आनंद ले सकते हैं, ना कि बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे इस मौसम में सर देखा जाता है कि त्वचा संबंधी भी परेशानियां बढ़ जाती हैं, जैसे ठंडा गर्म या बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में मतलब थोड़ा खुजली फुंसी इस तरह की भी समस्याएं क्या होती हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा? बिल्कुल ठीक बात है, कुछ फंगस स्पोर्ट्स एयर में तो रहती हैं, कणकण में जीवन है ये तो हम लोग जानते हैं, तो वो स्पोर्ट्स इस सिचुएशन में वो कहीं भी वेट एरिया में आता है तो स्पोर्ट्स इन्फेक्शन कर देता है और खुजली की जैसे आप लोग कहते ग्रोइन रीजन में अधिक खुजली होती है। डायबिटिक पेशेंट है उसको स्किन की इम्यूनिटी कम हो जाती है उसको अधिक होती है, या सही ढंग से नहाए धोए नहीं उसके कारण भी हो जाते हैं, या हल्की फुल्की खुजली हुई वो मतलब कोई ट्रबलसम तो होती नहीं, इरिटेटिंग होती है और कुछ दिन के बाद वो स्किन डॉक्टर पास जाता है, तो स्किन डॉक्टर पास जाता है तब तक इचिंग करता रहता है, स्किन भी ट्रामेटाइज हो जाती है और वो डॉक्टर जितने दिन बोलता है उतने दिन वो दवा लगाना या खाना नहीं करता, दो चार दिन में उसको बहुत ही इंप्रूवमेंट हो जाता विथ मेडिसिन, तो उसको डॉक्टर की या दवा कंटिन्यू करने की जो समझ में नहीं आते अनजानेपन में, उसके कारण डीपर लेयर ऑफ स्किन वो इन्फेक्शन चला जाता है और वो बराबर इचिंग करने से वो फिर एक्जिमा का रूप ले लेता है, इसलिए उस चीज से बचना चाहिए। और इन्फेक्टेड जो सामान है वो भी कान में या नाक में या इस सब चीज से अवॉइड करना चाहिए, और अधिक साबुन जिसमें अधिक कास्टिक सोडा टाइप का रहता है बहुत ही सॉफ्ट साबुन यूज करनी चाहिए ताकि स्किन का जो हेल्दीनेस है ऑयलीनेस है वो मेंटेन रहे और एक लेयर जो बनी रहती है बैरियर टू एक्सटर्नल इन्फेक्शन वो रखती है, इस सब चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अभी ठंड का वक्त है, रांची का वेदर विशेष ड्राई रहता है तो स्किन अधिक ड्राई होती है, तो शरीर में स्किन ड्राई रहती है इचिंग होती है, इचिंग आप कर दिए तो वो बैरियर जो ब्रिज हो गया इन्फेक्शन होता है, अब बार बार ट्रॉमेटाइज होती है स्किन तो वो भी एक थिक स्किन इन द फॉर्म ऑफ जिमा या कुछ हो सकती है, इसलिए स्किन की नर्सिंग भी प्रॉपर ऑयलिंग होनी चाहिए समय समय पर और अनवांटेड अधिक वो लगाना नहीं चाहिए, साबुन का इस्तेमाल अच्छी गुड क्वालिटी के साबुन का यूज करना चाहिए और बेसी ठंडे पानी से भी नहीं नहाना चाहिए, ये सब चीज जो आम बात है इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए जिससे स्किन की भी हेल्थीनेस मेंटेन रहे। बिल्कुल, तो ये जो है वो खान पान से संबंधित भी बातें हो गई और बहुत सारी सावधानियां हैं उनको अगर हम अपनाते हैं तो इस बदलते मौसम का हम आनंद ले सकते हैं। वैसे जैसे बढ़ती उम्र के साथ भी ये परेशानी बढ़ जाती है, मौसम का जो बदलाव है वो जल्दी सहन नहीं कर पाते हैं लोग, और जैसा आपने बताया कि कुछ और अगर समस्या है डायबिटीज है या और किसी तरह की समस्या है, तो उन लोगों के लिए अब हम सावधानियों की बात करेंगे कि इस मौसम में हम किन किन बातों का खास ख्याल रखें, सावधानियां हम क्या क्या रखें, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों या फिर जो अदर जो कुछ और उनको समस्या हो, क्या क्या मतलब हम लोग ख्याल रख सकते हैं? बड़े बुजुर्ग को जो 40-45-50 ईयर्स में यूजुअली आज के एनवायरनमेंट में चेंज ऑफ लाइफस्टाइल के कारण ब्लड प्रेशर डायबिटीज प्राय बहुत अधिक परसेंटेज में है इंडिया में, एटलीस्ट 15% का जैसा कि डाटा आ रहा है, और अगर हम लोग अपने शरीर का ध्यान ना रखें तो आने वाले समय हो सकता है कि इंडिया पैराडाइज ऑफ डिजीज के रूप में घोषित हो जाए। और अभी गवर्नमेंट की भी नेशनल पॉलिसी आई है कि मोटा अनाज खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट भी मैराथन दौड़ करवाती है। और आजकल जितने भी अच्छी जगह है स्टेटस सिंबल मोटा अनाज का ही हुआ है, मीडिया का जो उपभोक्ता वार्ड था कि रिफाइंड खाना खाना है, अधिक ऑयली खाना खाना है, फास्ट फूड खाना, इस पर भी ब्रेक लगा है, तो ये गुड सिग्नल है हेल्दी लाइफ के लिए। और ब्लड प्रेशर अधिक रहता है तो ये सब सीजन में थोड़ी सी ब्लड प्रेशर सिकुड़ जाती है क्योंकि ठंड में
सिकुड़ने से उसका ब्लड लॉस, उसका जो हीट है लॉस कम होता है जी। लेकिन जो बहुत ही हेयर लाइक आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है पार्ट्स को वो कंस्ट्रिक्ट होती है तो ब्लड सप्लाई टू दैट फाइन ऑर्गन कंप्रोमाइज हो जाती है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि बहुत ठंड में नहीं निकलना है, और जिसको जोड़ दर्द है उसको भी जोड़ वगैरह डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द एयर कोल्ड में नहीं रखना चाहिए, सुसुम पानी पीना चाहिए और एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर किस टाइप का उसको एक्सरसाइज चाहिए, वीकनेस है, ज्वाइंट पेन है, या बॉडी मसल मास जो उम्र के हिसाब से कम हो जाती जी है जी। तो लोड आपके बोन पर पड़ने लगता है, इसलिए इस सब चीज का भी ध्यान रखना है ताकि शरीर फिट रहे और बुढ़ापा सुखमय गुजरे। बिल्कुल, अक्सर जो ये वृद्धजनों की शिकायत होती है कि ठंड बढ़ती है या मौसम बदलता है तो जोड़ों का जो दर्द है या फिर घुटनों का दर्द, ये कमर का दर्द, गर्दन में दर्द, ये सब बढ़ जाता है, बढ़ जाती है समस्याएं जी। ठंड में देखा गया है कि जोड़ दर्द हो या बदन दर्द हो इसकी फीलिंग अधिक हो जाती है, तो एलोपैथ में तो ठंड से बचना ही लिखता है और दर्द की दवा खानी है और फिजियोथेरेपी है, तो मैं भी इसी लिमिट में बात करूंगा जी। तो जो भी एक्सरसाइज है वो करना चाहिए और जो ऑर्थोपेडिक हड्डी के डॉक्टर हैं उनकी सलाह को मानना चाहिए। इस बारे में हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। एक दर्शक हमारे फोन लाइन से जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हम मनोज बोला राजेश मैम। ये बदलते मौसम में क्या खान पान करना चाहिए जो जिससे शरीर स्वस्थ रहे ना? जी ऐसा है कि अभी तो ठंड का ही मौसम मान सकते हैं, ठंड में बहुत तरह की वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, तो ऐसा माना गया है कि सप्ताह में 25 से 30 तरह के जो सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स हैं उनका सेवन करना चाहिए और गरम खाना ही, मतलब फ्रेश खाना ही खाना चाहिए, सुसुम पानी पीना चाहिए और खाना जितना भूख है उसे कम से कम 10-20% कम ही खाना चाहिए। शाम को भी जल्दी खा लेना चाहिए, खाना खाने के 2-3 घंटा तक आदमी को सोना नहीं चाहिए जिससे उसका डाइजेशन ठीक रहता है और आदमी को टेस्टी खाना खा के यह ना कहे कि मुंह में लिया तो पेट में उतार लिया, उसको मेस्टिकेशन करना चाहिए ताकि प्री डाइजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, प्री डाइजेशन करने से फिर स्टोमक वगैरह में उसका डाइजेशन भी अच्छा होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेन अदर डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स उस पर नहीं पड़ता है और यही सब का ध्यान रखना चाहिए। जी जी, ये आपने फोन किया मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हम चर्चा कर रहे थे जो दर्द है जाड़ के दिनों में हड्डियों में जो अलग अलग जगह पे होता है उसके बारे में सर आप बता रहे थे। तो दर्द का यही है कि बॉडी वेट का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर अधिक वो खाता है या उसका ऐसा ही पारिवारिक हेरिडिटी है तो उसको हर हाल में बॉडी वेट 65-72 kg के हिसाब में रखना चाहिए और उसको चलना वगैरह भी चाहिए, अधिक प्रोटीनस डाइट भी ओवर नहीं खाना चाहिए बॉडी मास को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अधिक अगर प्रोटीनस डाइट लेता तो यूरिक एसिड का भी सिक्रेशन अधिक हो जाता है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे सर। एक फोन है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रही है? नमस्कार मैम, मैं आयुषी बात कर रही हूँ रांची से। हाँ हाँ बोलिए, सवाल पूछे। मैम मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगी कि अभी जो मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, अभी हम देख रहे हैं रांची में भी बारिश हो रही है, तो इस समय किन किन बातों पर ध्यान रखें कि लोग स्वस्थ रह सकें? जी अभी बरसात में अनवांटेड बच्चों के साथ बाहर नहीं निकलना चाहिए जहां गड्ढे हैं, पानी है, ताकि वाटर का इन्फेक्शन या वाटर का कॉन्टेक्ट शू के भीतर फुट वगैरह में ना हो, और खाना भी जो खाना चाहिए जितना खाना उतना ही बनाना चाहिए ताकि फ्रेश खाना ही खाए। सर्दी जुकाम की टेंडेंसी किसी बच्चे परिवार में किसी मेंबर को रहती है तो उसको अवॉइड करना चाहिए और सूती कपड़े ही जहां तक हो पहनना चाहिए। इनर्स जो है गर्म कपड़े आजकल सब सिंथेटिक आते हैं तो सूती कपड़े पहनने के ऊपर ही पहनना चाहिए ताकि स्किन से कॉन्टैक्ट उसका कम रहे, तो एलर्जिक कंपोनेंट किसी को रहती है तो स्किन प्रॉब्लम या अनइजीनेस उसको कम होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह है तो उसका रेगुलर मॉनिटर होना चाहिए, प्रेशर की दवा डॉक्टर के सुपरविजन कम बेसी होने चाहिए, डायबिटीज है उसका ध्यान रखना चाहिए, बच्चे हैं तो उसका भी सर्दी जुकाम का है तो उसको प्रॉपर फैमिली केयर और डॉक्टर के केयर को मिला के करना चाहिए,
बिल्कुल, और कपड़ों का भी सर आपने बिल्कुल सही जिक्र किया है, कपड़ों का भी समझ में नहीं आता है ऐसे मौसम में, कभी ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है, बच्चे भी हैं या बड़े भी हैं, स्वेटर पहनते हैं या फिर तुरंत खोल देते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो मिला जुला कर मतलब कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी उसका असर बुरा भी होता है। तो सर अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि अब और सवाल हम दर्शकों का लें या आपसे हम मैं सवाल पूछूं, तो चलते चलते सर बहुत सारी बातें आपने बताई हैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो एक संदेश आपसे मैं लेना चाहूंगी। पहले भी कहा था पहला सुख निरोगी काया, तो इस पर जरूर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट, फैमिली मेंबर या जिधर से भी कोई अच्छा इनपुट मिलता है अपने जीवन उतारने की कोशिश करनी चाहिए, और भागदौड़ तो करना ही है, फिजिकली मेंटली फिट रहें, यही सब। जी, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा संदेश सर आपके माध्यम से मिला है, और हमें बहुत खुशी हुई कि आज आप यहाँ हमारे बीच पहुंचे, आपके माध्यम से बहुत सारी जानकारियां लोगों को मिली है, फोन कॉल्स में लोगों को आपने जवाब दिया है और आपका कीमती वक्त हमें मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।